गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आज मैं एक्सरसाइज 13.8 के लास्ट टू क्वेश्चंस कर रही हूँ। तो आज ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आज खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ दो ही क्वेश्चन बचे हैं, आज वो हम दोनों क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 हमें करना है। तो क्वेश्चन नंबर नाइन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दी है, बस आपको एक रिलेशन के बेस पे आपको क्वेश्चन करने होंगे। ओके, तो करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नाइन हमें कंडीशन दी हुई है कि 27 जो है वो सॉलिड आयरन स्फीयर है। ठीक है, कितने हैं? 27 सॉलिड आयरन स्फीयर। जिनकी रेडियस क्या है? आर है, और सरफेस एरिया एस ली है। ठीक है, अब इसमें कंडीशन दी गई है कि ये 27 जो सॉलिड आयरन स्फीयर है इनको मेल्ट कर दिया गया, और मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बना दिया गया। ठीक है, जिनका सरफेस एरिया क्या होगा? एस डैश होगा। ठीक है, तो by melting 27 solid sphere a solid sphere for ठीक है, और उनका जो सरफेस एरिया है इसे एस डैश मान लिया। ओके, इसमें कह रहा है कि रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर, हमें क्या फाइंड करना है? ये जो न्यू स्फीयर्स बन रहा है, ये जो सॉलिड स्फीयर्स बन रहा है किसके थ्रू? मेल्टिंग स्फीयर को 27 सॉलिड स्फीयर को मेल्ट करके जो स्फीयर बन रहा है उसका मुझे क्या चाहिए? आर डैश फाइंड करना। ठीक है, अब क्या करना है इसमें? तो एक ही हमें ये समझना है कि जब भी हमें ये देता है, जब भी हम किसी शेप को मेल्ट करके बनाते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? सेम होगा। ओके, तो हम क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ 27 सॉलिड स्फीयर इक्वल क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर। ठीक, अब हम इसका क्या करेंगे? फार्मूला डालेंगे। ठीक है, तो क्या फार्मूला डाल सकते हैं? तो फार्मूला डालते हैं, 4/3 πr³, और ये कितने हैं? 27 है ना, 27 और इक्वल हो जाएगा 4/3 πr³, क्योंकि जो बड़ा रेडियस है उसका रेडियस को क्या दिया गया? आर डैश दिया गया। ओके, तो 4/3 π और 4/3 π को आप ऐसे ही काट दो। ओके, तो r³ जो है That is equal क्या होगा? 27 आर क्यूब है ना, तो इसे भी हम क्यूब फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं ना 3 आर का क्यूब।
ये आर डैश क्यूब का फार्मूला है, यानी कि आर डैश जो होगा वो थ्री आर के इक्वल है। ओके, तो ये फर्स्ट वैल्यू हमें मिल गई कि इसका बड़े वाले जो सॉलिड स्फीयर बना है उसका रेडियस क्या है, थ्राइस ऑफ द आर है। ओके, अब इसके दूसरे पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि रेशियो ऑफ एस एंड एच डैश। ठीक है, अब देखो एस एंड एच डैश करने के लिए यहां पर मैं कर देती हूँ एस और एस डैश। इसका मतलब क्या है, एस का मतलब है कि जो छोटा वाला है उसको हम लेंगे 4/3 सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4πr² और एस डैश यानी कि ये भी 4π और r डैश का स्क्वायर। ठीक है, ये 4π ये 4π को कैंसिल हो गए r स्क्वायर और r डैश की जगह पे मैं क्या लिखूंगी 3r और इसका स्क्वायर, तो ये हो गया r स्क्वायर अपॉन में 9r² ये कैंसिल हो गया तो 1/9, तो इसका रेशियो जो है क्या है 1:9। ठीक है, इसका आंसर थोड़ा चेक कर लेते हैं। यस सही है 1:9 और 3r भी सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर टेन में कह रहा है ये एक कैप्सूल है जो कि स्फीयर की फॉर्म में, एक कैप्सूल है जो स्फीयर की फॉर्म में है और इसका डायमीटर जो है क्या है, इसका डायमीटर है 3.5 mm। अब इसमें कह रहा है हाउ मच मेडिसिन इन मिलीमीटर क्यूब इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। इस कैप्सूल में मेडिसिन जो भरा जाएगा उसका कितना होगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन अगर मुझे निकालना है जो कि इसमें फिल होगा, मेडिसिन फिल इन द कैप्सूल, यानी कि ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ही होगा तो 4/3 πr³। ओके, अब हम वैल्यू डालेंगे 4/3 × 22/7 और r क्या होगा 3.5 का हाफ होगा तो 3.5 by 2 और 3.5 by 2। अब देखो 2 से ये 11 बार में और इस 2 से ये 4 कट गया। ठीक है, अब 7 से ये 0.5। अब देखो और कोई भी नंबर नहीं कट रहा है तब बस हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 3.5 को 3.5 से करेंगे तो ये 12.25 आएगा। ओके, और 11 को 0.5 से करेंगे तो 5.5/3। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं पीछे से 3 नंबर के बाद डेसिमल आएगा यानी कि 67.375 / 3 ये हो गया 2 13 यानी 4 बार में, फिर 17 यानी कि 5 बार में और 25 यानी कि 8 बार में 24। इससे ज्यादा हमें 3 डिजिट से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ये मिलीमीटर क्यूब, तो अगर हम इसको देखें तो अप्रॉक्स क्या हो जाएगा 22.46 मिलीमीटर, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गया और ये चैप्टर भी खत्म हो गया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। तो थैंक यू बच्चों, अगले वीडियो में हम क्वाड्रिलेटरल करेंगे, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चंस करेंगे।